सुविधा के लिए योग, आयुर्वेद, पंचकर्म संबंधी सभी सेवाओं के साथ साथ लैब टेस्टिंग जैसी सुविधाएं और जन औषधि केंद्रों को भी इनसे जोड़ने का काम किया गया है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आज हमारी सरकार अंत्योदय को लेकर, अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का के द्वारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा आदरणीय नरेश बंसल जी ने यहाँ से कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज यहाँ पर चूँकि अनेकों क्षेत्रों के भाई बहन आए हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले आए हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अनेकों समय पर आप सबके द्वारा अपनी क्षमताओं से किस इस क्षेत्र में राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया गया है, उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ उत्तराखंड का हमारा संकल्प है, जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, उसकी संकल्प की पूर्ति में भी आप अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है, और इस सदी, इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करने के लिए हम सभी लोग अपना योगदान देंगे। और अभी जैसा आदरणीय धन सिंह जी ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में जहां पर कैथ लैब नहीं है, वहां पर कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे, कैथ लैब बनाए जाएंगे। मैं इसकी आज इस जन औषधि केंद्र के दिवस पर घोषणा करता हूं। और सभी चिकित्सा इकाइयों में MRI और CT स्कैन एवं टेक्नीशियन की जो कमी है, उस कमी को भी सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी में इसको पूरा किया जाएगा। अंत में एक बार मैं पुनः आप सबको आज के जन औषधि केंद्र दिवस की शुभकामनाएं एवं होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी।